हेलो दोस्तों, दसू बीस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक चम्मच तेल, एक चम्मच सरसों, एक चम्मच जीरा, हरी मिर्ची ली है दो से तीन बारीक कटी हुई, एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है दोस्तों। फिर इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। सारे मसालों को प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर हमने डाला है इसमें उबले हुए आलू। आलू को हल्का सा मैश कर देंगे और सारे मसालों के साथ मिक्स करके इसे 3 से 4 मिनट मसाला तैयार कर लेंगे। धनिया पत्ती डाला है। तो लीजिए, आलू का मसाला बन करके दोस्तों तैयार है। अब इसे ठंडा करके एक साइड में रख लेते हैं। फिर मैंने आटा पहले से ही गूंद के रखा था, तो मैं इसमें लोई काट लेती हूँ और इस तरह से आटा लगाते हुए इसकी कटोरी जैसे बना लेते हैं और इसमें भर देंगे आलू के मसाले। तो देखिए, इस तरह से भरने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करके फ्रेंड्स इसका आलू का पराठा बना लेते हैं। ये आलू के पराठे तो सभी को बनाना आता है। मैंने सोचा क्यों ना इसका छोटा सा वीडियो बना लिया जाए, बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला है। तो देखिए दोस्तों, तवा गरम हो चुका है और पराठा अच्छी तरह से मस्त सेकेंगे बटर डाल करके। तो फिर फ्रेंड्स ये बन जाएगा बटर आलू पराठा। खूब सारा बटर डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। इस तरह से मेल्ट करके पराठे को बटर के साथ अच्छी तरह से सेक लेते हैं दोनों ही साइड से। तो देखिए, एक साइड से बहुत ही ज़्यादा सेका गया है, दोनों ही पराठे सेक लिए मैंने। थोड़ा सा बटर डाल देती हूं और मैंने यहाँ पे लिया है आम का अचार। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू बटर पराठा बन करके तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? थैंक यू।